नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार मिश्र का स्थानांतरण आगरा हो गया। इस मौके पर जनता इंटर कॉलेज परासी पांडे के सभा कक्ष में विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय स्टाफ के अलावा राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डीपी सिंह, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र चौबे, संत कीनाराम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोपाल सिंह, राजकीय उमा विद्यालय भुसौलिया के प्रधानाचार्य सरिता सिंह, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष उमाकांत शुक्ल, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी उमाकांत मिश्र, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजेश सिंह, प्रवक्ता राकेश शुक्ला, विरधी इंटर कॉलेज प्रबंधक रविंद्र सिंह ने मिश्र का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन भोलानाथ मिश्र ने किया। इस मौके पर उपस्थित समस्त शिक्षक व शिक्षिक संगठनों ने मिश्र को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी। के साथ इतने अल्प समय में आपने मोहब्बत उतारा, और यह कहीं न कहीं जैसा कि उमाकांत मिश्रा जी ने कहा कि आप राजा श्रीमान जी, आपको आपके माँ बाप ने, आपके गुरु ने, आपकी जन्मभूमि में जो संस्कार और मोहब्बत दिया वह था कि आपके पास सुरक्षित है और उसे आप हम लोगों में लुटा के जा रहे हैं। आप हम लोगों के दिल खुशी, आप हमारे जिले से जा रहे हैं, आगरा में जा रहे हैं, कल आप रिटायर हो गए, लेकिन ईमानदारी से मैं छोड़ दो बेटा, आप हट जाओ, ईमानदारी से कल आप रिटायर होंगे, लेकिन हम लोग जब भी बात करेंगे श्रीमान जी, हम लोग पूरे जिला विद्यालय निरीक्षक की बात करेंगे, रिटायर्ड डीआईएस की बात नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि प्रेम कुमार मिश्रा जी हमारे डीआईएस, 90 साल की उम्र में भी अगर फिर भी आप लोगों को पूछेंगे अपने घर परिवार के कार्यक्रम में, हम लोग आएंगे और ये कहते हुए आएंगे। खबर समय जगत के लिए रॉबर्ट्सगंज से उमाकांत मिश्र की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.